Hello dear students, in this video we are going to solve our exercise number 11.1. So बच्चे इस exercise को solve करने से पहले आपने कुछ formulas remember करने हैं. पूरी exercise 4 formulas पे based है. First formula is perimeter of rectangle. आपको मैंने कल introduction video में सारे formulas समझाए थे. Rectangle का perimeter का formula मैंने बताया था 2 into length plus breadth. ये आपको याद होना चाहिए. उसके बाद area of rectangle का formula length multiply breadth. उसके बाद perimeter of square उसका formula मैंने बताया था आपको 4 multiply side. Clear? और उसके बाद था area of square that is equal to side multiplied by side. ये चार formulas हैं जो base हैं इसका exercise 11.1 का. और question कैसे solve करने हैं जो given है उसको start करना है और सारे उसको लिख के देख के फॉर्मूलाज अप्लाई करके आपका आंसर इजीली आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे हमारे पास द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है इट मींस हमें किसके फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे अब बच्चे रेक्टेंगल वाले. कितनी दी है लेंथ है 500 मीटर एंड ब्रेथ है 300 मीटर. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करना है इसका एरिया. सो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है. इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास गिवन क्या है उस चीज को पहले ड्रॉ करके देखती हूँ. ये है मेरे पास रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. लेंथ है इसकी मेरे पास बच्चे लेंथ 500 मीटर. क्लियर? और इसकी ब्रेथ है मेरे पास 300 मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या मिला है मैंने क्या फाइंड आउट करना है इसका एरिया. एरिया मैंने आपको बताया था जो अंदर वाला सारा पोर्शन है वो क्या है इसका एरिया. और अगर बात होती पैरामीटर की तो हमने साइड वाले को फाइंड आउट करना था. अब एरिया की जब बात है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. वही हम यूज करेंगे. लेंथ क्या है लेंथ इज इक्वल टू आप तो ऐसे लिखेंगे पूरा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड. बट यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए पहले लेंथ को लिखेंगे कितनी है लेंथ 500 मीटर. ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मीटर. सो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. क्लियर? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके क्या आ गया 500 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 300 मीटर. 5 3 15 जीरो कितनी लगेगी अब 1 2 3 4 काउंट कर दीजिए और सारी जीरो लगा दीजिए. ये आपके पास बन गया 150,000 मीटर स्क्वायर. जब भी एरिया की बात हो तो यूनिट स्क्वायर में आएगी बच्चे. जैसे सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर है तो मीटर स्क्वायर. क्लियर? सिंगल यूनिट ऑनली किस केस में आती है पैरामीटर के केस में. ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे आप सेकंड पार्ट इसका क्या बोला है कॉस्ट ऑफ लैंड. लैंड की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. इफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड कॉस्ट 10,000. क्लियर? सो इसको पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड वो कितनी है हमारी 10,000 रुपीस. क्लियर? अब पूरी लैंड कितनी है हमारी कॉस्ट ऑफ जो ये लैंड है पूरा एरिया आया 150,000 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू ये जो पूरा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10,000 से. कर दीजिए 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 15 एज इट इज जीरो कितनी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 साथ में 8 जीरोस लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 3. क्लियर? साथ में क्या लगेगा आपका बच्चे रुपीस. यहाँ मैंने क्या फाइंड आउट किया कि टोटल आपकी जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है उसकी कॉस्ट कितनी है. ये आपका आ गया आंसर. क्वेश्चन इजी था ना जो जिसे गिवन है उनको लेके चलना है और लास्ट में आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे. ओके सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट हुज पैरामीटर इज 320 मीटर. क्वेश्चन में क्या गिवन है एक स्क्वायर पार्क है. स्क्वायर आप कैसे डायग्राम होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है. क्लियर? मान लो ये
से कवर किया है, इसको फाइंड आउट करना है। सो जो गिवन है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर लिखेंगे आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू, कितना दिया गया आपके पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 320 मीटर। क्लियर यहां तक गिवन है। उसके बाद आपको बच्चा पता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइन, और पैरामीटर दिया किसके इक्वल है 320 मीटर के। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे आपको क्या मिल जाएगी साइन। क्लियर सो साइन इज इक्वल टू क्या जाएगी आपकी 320 मीटर अपॉन, अब 4 इस साइड क्या था लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड करेगा, और आपको पता है 4 एग्जा 32 ये कितना आ जाएगा आपके पास 80 मीटर। क्लियर ये क्या आ गया आपके पास साइन। अब आपको बोला है आपने क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई साइन, ये इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा आप साइन मल्टीप्लाई साइन करके 80 मीटर मल्टीप्लाई 80 मीटर 8 8 64 साथ में 2 × 0 मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया की बात हो तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, और जब पैरामीटर की बात थी तो ओनली मीटर सिंगल यूनिट लगती है। ओके ये आपका आ गया आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है, फोर्थ क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ, आल्सो फाइंड द एरिया। आपको पता है बच्चे पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइडेड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के केस में 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ गिवन है पैरामीटर गिवन है, आप ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेंथ इज इक्वल टू कितनी दी गई है आपके पास 35 सेंटीमीटर। क्लियर ब्रेथ बी मान लीजिए इसको, नहीं बता दिया आपको ठीक है, और आपके पास पैरामीटर दिया गया है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर शीट का 100 सेंटीमीटर। क्लियर अब लगाएंगे आप फॉर्मूला, आपको पता है पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, किसके इक्वल दिया गया ये 100 सेंटीमीटर के। क्लियर 2 × लेंथ की जगह 35 सेंटीमीटर प्लस बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर ये क्या हो गया अब आपके पास, अब 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड जाके जो भी, तो डिवाइड करेगा, सो 35 सेंटीमीटर प्लस बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 ये बन जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर क्योंकि 5 × 10 ये बन गया, सो मेरे पास डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी 35 सेंटीमीटर प्लस कर रहे हैं इस साइड जाके माइनस करेगा, सो डी ब्रेथ इज इक्वल टू 50 − 35 15 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई बच्ची आपको ब्रेथ, जो यहाँ पे मैंने बी लिखी थी कितनी आ गई है मेरे पास 50 सेंटीमीटर। अब तो आपके पास लेंथ भी आ गई ब्रेथ भी आ गई, आपको बोला गया है फाइंड द एरिया, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बी दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 50 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 50 करके देख लीजिए कितना आएगा 5 × 5 = 25 2 बज गए 5 × 3 = 15 15 × 16 = 17 175 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 3 ये बन गया 5 × 7 = 2 4 × 5 525 आएगा 525 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया आंसर। क्लियर बच्चे 11.1 के सारे क्वेश्चन इन 4 फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं, इनको आप ट्राई करेंगे।